Hi, myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. आज मैं PG Semester 2 के students को paper 203 जिसका topic है Psychopathology, मनोविकृति विज्ञान के unit 2 में Theory and Model of Anxiety Disorder, चिंता विकृति के सिद्धांत एवं प्रारूप या मॉडल के अंतर्गत फोबिया पर फिर से एक बार मैं चर्चा करना चाहूँगी। कल मैंने बताया कि फोबिया क्या है और उसके प्रकार। आज मैं फोबिया के लक्षण एवं कारणों पर चर्चा करूँगी। फोबिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ फोबिया। फोबिया के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर वन, भय तथा चिंता। फोबिया का एक मुख्य लक्षण भय तथा चिंता है। रोगी का भय अस्थाई स्वरूप का होता है। शुरू में भय का संबंध किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति से होता है, परंतु बाद में उसका सामान्यीकरण हो जाता है। जैसे झरने से गिरते हुए पानी से डरने वाली लड़की नल से गिरते हुए पानी से डरने लगती है। नंबर टू, पलायन व्यवहार। फोबिया के रोगी में पलायन व्यवहार देखा जाता है। रोगी भय तथा चिंता वाली परिस्थितियों से दूर भागने का प्रयास करता है। जैसे जल फोबिया का रोगी झरना, तालाब, नदी आदि से अलग रहने का प्रयास करता है। नंबर थ्री, बालोचित व्यवहार। फोबिया के रोगी में बालक जैसा व्यवहार देखा जाता है। रोगी में बच्चों की तरह अविवेकी भय देखा जाता है। इसी तरह रोगी में बच्चों की तरह पशुओं को देखकर रोने चिल्लाने के व्यवहार देखे जाते हैं। पॉइंट नंबर फोर, आघात जन्य अनुभव। फोबिया के रोगी में आघात जन्य अनुभव का लक्षण पाया जाता है। फोबिया का आरंभ बचपन के किसी आघात जन्य अनुभव से होता है। पॉइंट नंबर फाइव, शारीरिक लक्षण। फोबिया के रोगी में कई तरह के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, नींद की कमी इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि फोबिया के उपयुक्त कई लक्षण हैं। अब मैं फोबिया के सामान्य कारणों पर चर्चा करूंगी। कॉजेज ऑफ फोबिया या इटोलॉजी ऑफ फोबिया। नंबर वन, चिंता का विस्थापन। फोबिया में तनावपूर्ण स्थिति से उत्पन्न चिंता का विस्थापन अन्य वस्तु या स्थिति से होता है। इस रक्षात्मक क्रिया के महत्व को मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के समर्थकों ने सबसे पहले बताया था। फ्रायड ने अपने अनुभवों के आधार पर बतलाया कि फोबिया में चिंता का जो विस्थापन होता है वह मातृ प्रेम ग्रंथि से संबंधित होता है। फ्रायड ने अपने इस कथन के समर्थन में, उनका कहना है कि एक वर्ष के बच्चे को मातृ प्रेम ग्रंथि अच्छी तरह से होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनका प्रेम पिता के प्रति मुड़ जाता है। फ्रायड ने अपने इस रोगी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रौढ़ों में भी फोबिया का मुख्य कारण उसकी बाल्य अवस्था की मातृ प्रेम ग्रंथि के कारण होती है। नंबर टू, प्रतिबलक। फोबिया का एक कारण तनावपूर्ण परिस्थिति है, विशेष रूप से लैंगिक तनाव के कारण यह रोग होता है। फोबिया के रोगियों में व्यापक चिंता की स्थिति पाई जाती है। व्यक्ति की अचेतन चिंता केवल विस्थापित ही नहीं होती है, बल्कि कभी कभी
प्रतीकात्मक रूप से भी अभिव्यक्त होती है। अचेतन चिंता को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करने में ईगो को अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होता है, वह अवमूलन से बच जाता है। इस प्रतीकात्मक रूपों में रोगी की अचेतन चिंता कुछ समय तक दबी रहती है, जिसके कारण रोगी को आराम महसूस होता है, किंतु अधिक तीव्र हो जाने पर उसका सभी व्यवहार असंतुलित हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, खतरनाक आवेगों के प्रति सुरक्षा। आंतरिक धमकी। फोबिया का कारण व्यक्ति की दमित आक्रामक या लैंगिक आवेगों को भी माना जाता है। इस तरह का आवेग व्यक्ति को खतरनाक स्थिति में ला सकता है। व्यक्ति इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए फोबिया की प्रतिक्रियाओं का सहारा ले लेता है। यहाँ भी चिंता विस्थापित हो जाती है, जिससे व्यक्ति भयभीत होता है। यह वास्तव में चिंता की वस्तु नहीं है। जैसे एक पति के अचेतन मन में अपनी पत्नी को पानी में गिराकर मारने की इच्छा उठती है, तो उसमें पानी से भय उत्पन्न हो सकता है। नंबर 4, संबंध प्रत्यावर्तन। एक सरल भय प्रतिक्रिया के संबंध होने के कारण भी फोबिया का विकास होता है। यहाँ व्यक्ति संबंध प्रत्यावर्तन के कारण फोबिया की भय परिस्थिति से संबंध स्थापित कर लेता है। अनेक प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि भयानक उत्तेजना के साथ सामान्य उत्तेजना को भी प्रस्तुत किया जाए तो आगे चलकर सामान्य उत्तेजना ही भयानक उत्तेजना के रूप का रूप ले लेता है। इसके उपचार। फोबिया के रोगियों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का सहारा लिया जाता है। इसका उपचार किस प्रकार किया जाए या उसके उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां का स्वरूप क्या है, इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद।